बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा का योगी सरकार पर इल्जाम। ब्राह्मणों के खून से जमीन रंगना चाहती है सरकार। एसपी ने रची आतंकवादी बनाने की साजिश, खुद मंगाई AK-47। मुख्तार से दोस्ती पर बोले विजय मिश्रा, मेरा दोस्त नहीं है मुख्तार। राजा भैया और मुख्तार है असली जिगरी यार। कार उत्पीड़न की कार्रवाई का आतंकवादी सुनिए, जितना करना चाहती है ब्राह्मण के खून से सुनिए रंग देना चाहती है, अब और क्या चाहते हैं? और हमारा मुख्तार से कोई संबंध नहीं है, मुख्तार से संबंध राजा भैया का है। पूर्वांचल की सियासत के बड़े रंगबाज माने जाने वाले ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। 2020 से रेप समेत कई मामलों के आरोप में जेल में बंद विजय मिश्रा का नाम इन दिनों फिर से चर्चा में आया, जब उनके बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप पर छापा पड़ा तो AK-47 समेत तमाम असलहा मौके से बरामद हुए, जिसके बाद से विजय मिश्रा के इल्जामों में एक और बड़ा इल्जाम जुड़ गया। लेकिन शुक्रवार को जब विजय मिश्रा मिर्जापुर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। विजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस महकमा उन्हें और उनके बेटे को आतंकवादी घोषित करना चाहता है। AK-47 भी साजिश के तहत पुलिस ने ही मंगाई है। नहीं, गाजीपुर SP राम बदन सिंह, उनकी जानकारी में थी, कुछ दिन पुलिस लाइन रखी गई, कुछ गाजीपुर रखी ली गई। 4 महीना पहले जब ADG इंटेलिजेंस जो वर्तमान DG हैं वो और प्रशांत सिंह को SP राम बदन ने पहले लिए हुए थे, इनको फंसा दो उनको फंसा दो, कई बार दरखास्तें कोर्ट न्यायालय पूरा विज्ञापन निकला है कि लड़के को आतंकवादी हमको बनाना चाहते हैं। 3 AK-47 यहाँ से गई है, AK-47 पंप जो 6 महीने से बंद है, जिसको ऑलरेडी हम दरखास्त दे चुके हैं, 11 मई को हमको भी लॉकअप में बंद करके वही AK-47 दिखाना चाहते थे जो नहीं दिखा पाए, ये भदोही न्यायालय ने परमिशन नहीं दिया। विजय मिश्रा ने न सिर्फ पुलिस पर इल्जाम लगाया बल्कि योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार ब्राह्मणों के खून से जमीन रंग देना चाहती है, जबकि मुख्तार से विजय मिश्रा की दोस्ती नहीं बल्कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की है, दोनों में जिगरी यारी है। सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई का आतंकवादी सुनिए, जितना करना चाहती है ब्राह्मण के खून से सुनिए रंग देना चाहती है, अब और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा उत्पीड़न की कार्रवाई और क्या करेगी? और हमारा मुख्तार से कोई संबंध नहीं है, मुख्तार से सुन लीजिए, एक मिनट टिकट मांग रहे थे, मुख्तार से संबंध राजा भैया का है, उनके साथ खाना खाए, CI का गोदाम बनवाने 25-30 लाख। विजय मिश्रा ने माफिया ब्रजेश सिंह के रिहा होने पर कहा कि उनकी ब्रजेश से कोई दुश्मनी नहीं है बल्कि उनकी दुश्मनी सुशील सिंह से है। ब्रजेश सिंह हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन सारी चीज सुशील सिंह का है। तो सुना आपने विजय मिश्रा का वो खुलासा जिसमें योगी सरकार से लेकर पुलिस और राजा भैया पर इल्जाम के छींटे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विजय मिश्रा इससे पहले भी योगी सरकार और पुलिस पर अपनी हत्या की साजिश करने का इल्जाम लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।